everyone welcome back to my channel so today in this video i'm going to discuss one of the most important topic of right now that what is the difference between the mns exam and the mns ssc exam because many of you are confused between the mns exam and the mns ssc exam right so i'm going to discuss that what is the difference between these two exams because in the previous video i said that i have appeared twice in the mns interview mns exam interview and the mns exam medical right please listen it very carefully i have said that mns exam i have not said that i have appeared in the mns ssc exam there is a difference between these two exams right the mns ssc exam is a different exam and mns exam is a different exam but the pattern is the same and the pattern and the medical examination and the interview are the same procedures are the same so many of you are getting confused by my last statement so i am clearing this now

एंड वॉट इज़ द एम एन एस एग्जाम एम एन एस 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 सी एग्ज़ाम एम एन एस 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 सी एग्जाम इज वू हैव कम्प्लीटेड दे आर बी एस सी नर्सिंग और एम एस सी नर्सिंग फ्राम एनी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी ठीक है तो वो हो गए हो जाएगा फिर वो वाले जो कैंडिडेट्स होंगे वो एलिजिबल होंगे एम एन एस 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 सी एग्ज़ाम के लिए ठीक है जिन्होंने सिर्फ ट्वेल्थ पास किया है दे आर एलिजिबल फॉर द एम एन एस एग्जाम बी एस सी नर्सिंग एंड एम एस सी नर्सिंग कर रखी है दे आर एलिजिबल फॉर द एम एन एस 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 सी एग्ज़ाम सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस एंड द मेन डिफरेंस बिटवीन द एम एन एस एग्जाम एंड द एम एन एस 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 सी एग्ज़ाम सो नाउ आई होप दिस इज अ क्लियर एंड सम ऑफ़ यू आर आस्किंग की हमें आप प्रूफ दिखाओ कि एम एन एस एग्जाम होता था या नहीं होता था तो मैं वो प्रूफ दिखाने वाली हूँ और एम एन एस देखो एम एन एस 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 सी एग्ज़ाम जो था ना वो टू थाउजेंड सेवेंटीन तक हुआ था उसके बाद में वो बंद हो गया था ड्यू टू सम रीजन ऑफ इंडियन आर्मी दैट वी डोंट नो बट जो एम एन एस एग्जाम था फॉर द ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट वो हर साल हुआ है 2017 में हुआ है 18 में हुआ है 19 में भी हुआ है इवन कि कोविड का जो ईयर था ना 2020 उसमें भी हुआ था वो 21 में भी हुआ था 21 तक उसका एक सेपरेट एग्जाम हो जाता था अलग से एम एन एस का दैट इज़ सी वी टी एग्जाम बट ट्वेंटी वन के बाद में ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री एंड इवन इन द ट्वेंटी फोर ये एग्जाम जो होता है वो नीट के थ्रू होता है एम एन एस वाला एग्जाम ठीक है मतलब जो एम एन एस एग्जाम के लिए जो बच्चे एप्लीकेबल होते हैं ना उनको नीट का एग्ज़ाम और देना होगा ठीक है ये ट्वेल्थ क्लास के कैंडिडेट्स होते हैं जो एलिजिबल होते हैं इस एग्ज़ाम के लिए जो एम एन वाले होते हैं वो वो वाले बच्चे होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी बी या एम नर्सिंग अपनी कर रखी है एम एस या नर्सिंग आपने भले ही कर रखी है फिर भी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो स्टार्टिंग पोस्ट होती है वो आपकी लेफ्टिनेंट होती है लेफ्टिनेंट के बाद आप कैप्टन बनते हैं कैप्टन के बाद आप मेजर बनते हैं ठीक है टोटल चा चौदह साल का सर्विसेस में इसलिए इसको एम एन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस शॉर्ट कमिश्निंग सर्विस भी बोलते हैं इसलिए इसको बोलते हैं एम एन एग्ज़ाम ठीक है तो शायद आपके ये डाउट क्लियर हो गए दैट वॉट इज द डिफरेंस एंड आपका ये ये भी डाउट क्लियर हो गया कि मैं कौन से एग्जाम में अपीयर हुई थी मैंने किस एग्जाम का इंटरव्यू दिया है मैंने किस एग्जाम का मेडिकल दिया है ठीक है एम के जितने भी इंटरव्यू और मेडिकल होते हैं मेडिकल इज सेम फॉर द एम एग्जाम एंड द एम एन एग्जाम एम एन एस एग्जाम में एक एडिशनल और है बिकॉज प्रेगनेंसी वाला फैक्टर है प्रेग्नेंसी वाला फैक्टर इसलिए है क्योंकि एम एन एग्ज़ाम देने के लिए एज का क्राइटेरिया ज़्यादा है वो कितना है ट्वेंटी वन से थर्टी फाइव तक तो यहाँ तक एज तक आते आते कुछ लोगों की शादियाँ हो जाती हैं मे बी कुछ लोगों की फैमिली प्लानिंग चलनी होती है तो ये एक एडिशनल मेडिकल एग्जाम है अदरवाइज बाकी के सारे जितने भी टेस्ट होंगे टेस्ट होंगे मेडिकल वो सारे सेम है जो एम एग्ज़ाम में होते हैं बच्चों के ठीक है तो वो एक्सपीरियंस है दैट आई वॉज शेयरिंग विद यू बट कुछ लोगों को मिस मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है दैट आई एम क्लियरिंग दिस इन दिस वीडियो नाउ ठीक है एंड प्रूफ जो था कि लोग मांग रहे थे कि दैट व्हाट इज़ द प्रूफ तो मैं दिखा देती हूँ देखो ये तो ये जो है वो एम एन एस एग्ज़ाम का है ठीक है एस वाला है शुड है पास्ट एम नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक बी एस नर्सिंग बी एस नर्सिंग फ्रॉम आई एन एस सी रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी ठीक है ये तो आपको क्लियर है ना कम टू कि एम दॉट इज़ द एम एन एस एग्ज़ाम तो देखो ये एम एन एस एग्ज़ाम का है दिस इज़ द एम एन एस एग्ज़ाम एलिजिबिलिटी ठीक है ये टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री का और टू थाउजेंड ट्वेंटी टू में भी यही था मतलब सेम ही है तो मैंने एक ही स्क्रीन शॉट ले लिया है कैंडिडेट्स मस्ट है पास देयर फर्स्ट अटैम्प्ट मतलब जो ट्वेल्थ है उन्होंने एक ही बार में पास कर लिया हो ऐसा नहीं कि ट्वेल्थ में फेल हो गए वापस उन्होंने तो ट्वेल्थ करी ठीक है टेन प्लस टू एग्जाम और इक्वल एंड ट्वेल्थ एग्जाम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बॉटनी और जियोलॉजी इंग्लिश नॉट लेस देन फिफ्टी परसेंट एग्रीकेट मार्क्स ठीक है एज अ रेगुलर स्टूडेंट फ्रॉम ए स्टेटरी रिकोगनाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी और एग्जामिन एग्जामिन बॉडी ठीक है तो ये हो गया अब आप लोगों को आई होप कि डिफरेंस क्लियर है और आपको ये डिफरेंस भी क्लियर है कि मैं किसके बारे में बात करती हूँ ठीक है तो एंड अगर इसके बाद भी डाउट बचते हैं तो प्लीज़ कर देना कमेंट और कर दूँगी मैं वो एक्सप्लेन यू शुड नॉट हैव एनी डाउट ओके सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सब्सक्राइबर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू द मोस्ट ऑफ़ द कैंडिडेट दैट यू कैन डू बिकॉज दैट मिस बिग कंसेप्शन की एम एन एग्जाम जो है वो हो ही नहीं रहा है दो हज़ार सत्रह के बाद भाई एम एन एग्ज़ाम नहीं हो रहा है दो हज़ार सत्रह के बाद एम एग्जाम तो हर साल होता है ठीक है तो जितने लोगों के हों जिनको भी कन्फ्यूजन है कि वॉट इज़ द एम एन एग्जाम एंड वॉट इज द एम एन एग्ज़ाम प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू द ऑल अदर कैंडिडेट्स ओके सो थैंक यू एंड टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू एंड द मेडिकल एग्जाम प्लीज़ कीप योर सेल्फ हेल्थी बिकॉज एम एन एस मेडिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट